स्पिति वैली, ये नाम आपने सुना ज़रूर होगा। ये हिमाचल की एक ऐसी जगह है जो ट्रैवल एंथुसियास्ट के लिए पैराडाइज है। इसके खूबसूरत नज़ारे और ऊंचे पहाड़ आपको पल पल ये एहसास दिलाएंगे कि ज़िंदगी में अगर ऐसी जगह आपने नहीं घूमी तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है मेरे दोस्त। तो हम कुछ मिस ना कर दें और ऐसे गिल्ट ट्रिप में ना चले जाएं, इसलिए हम तीन बाइक्स, तीन यार निकल पड़े थे अपने अपने घर से इस खूबसूरत स्पिति वैली को एक्सपीरियंस करने के लिए। स्पिति वैली का ये 3500 किलोमीटर का सफ़र हमारे साथ ज़िंदगी भर खूबसूरत यादों के तौर पर रहने वाला है। सफ़र में कुछ दुर्घटनाएं भी घटी, जैसा कि आपने मेरे पिछले एपिसोड्स में देखा, लेकिन ओवरऑल हमारी जर्नी बहुत स्मूथ रही एंड हमने बहुत इन्जॉय करा। तो आज स्पिति वैली का मेरा ये लास्ट एपिसोड रहेगा जिसमें कि मैं कवर करूंगा चंद्रताल से मनाली, वो भी लेस देन 4 आवर्स में टिल अटल टनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंद्रताल कैंप्स। इट्स आवर डे 7। वी विल बी गोइंग फ्रॉम चंद्रताल टू मंडी या कुल्लू में भी। सो मनाली क्रॉस करना है। सो आज मतलब उल्टी जर्नी चालू हो गई आज से हमारी। बहुत ठंड थी भाई यहाँ पर रात को। मैं आपको अपनी बाइक की सीट दिखाता हूँ। बर्फ काइंड ऑफ जम गई है तीनों सीट्स पे। ये दिख रहा है आपको, यहाँ ओस नहीं गिरती, यहाँ बर्फ जमती है रात को, पूरी बर्फ जमी हुई है। ये देखो, इट्स 9 AM नाउ, बैग्स लोडेड है। ठंडी बहुत ज़्यादा थी बॉस। मनाली, मंडी, कुल्लू जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक गाड़ी देंगे, होटल लेंगे, रेस्ट करेंगे, देन नेक्स्ट डे नोएडा। तो कोशिश ये है कि इसी को लास्ट व्लॉग बनाएंगे। बेस्ट जर्नी होगी, ज़रूर देखना अगर आपने पूरी सीरीज़ फॉलो करी है। 2-3 वाटर क्रॉसिंग, सब टफेस्ट 70 किलोमीटर ऑफ रोड है यहाँ से अब। सो लेट्स हॉप ऑन द बाइक। चलो भैया, तन्मय आवाज आ रही है। ओके, लगभग 5 से 6 घंटे लगने चाहिए चंद्रताल कैंप से हमको अटल टनल का क्रॉस करने में, बट लेट्स सी अगर हम जल्दी कर पाए तो और अच्छा। होटल्स बुक नहीं हमारे नेक्स्ट 2 डेज़ के, जो कि है मतलब कुल्लू में या तो रुकेंगे, फिर नेक्स्ट डे नोएडा रुक के देन अपने अपने घर की ओर बढ़ जाएंगे वहाँ से हम लोग। आई होप आपको जर्नी बहुत पसंद आई होगी, काफ़ी मज़ा आया हम लोग को। और लद्दाख से तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये, टू बी ऑनेस्ट। लद्दाख बहुत ईजी, आई थिंक 2-3 साल में भी बहुत ईजी जाएगा स्पिटी भी। सो गाइस, फिर से आएगा पागल नाला जो कल दिखाया था मैंने आपको। अच्छा, पागल नाला नहीं था ये? ओ माय गॉड, कोई फालतू सा नाला था। फालतू नाला, आज से इसका नाम फालतू नाला। सो गाइस, वो रोड आने वाली वापस जहाँ पत्थर डले थे कल, मोस्ट डिफ़िकल्ट टेरेन टू क्रॉस। सो गाइस, ये है वो जो पत्थर डाले गए थे, इस पर चलाना और डिफ़िकल्ट है। पत्थर हिल डुल रहे हैं, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। लेफ्ट साइड से जैसा कि आप देख सकते हैं भाई, फर्स्ट गियर भी निकालनी पड़ रही है। बहुत गजब पत्थरबाजी हो रखी है इधर। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये लगभग 20 मिनट का ऐसा पैच है। यहाँ रोड को प्लेन करने की कोशिश की जा रही है, बट जब तक ये प्लेन नहीं हो तब तक बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। पत्थर आ के पड़ रहे हैं एग्जॉस्ट के पाइप पे एंड इवन बैश प्लेट पे। कालाश निकाओ हो जाएगा यहाँ तो। कल यहीं से गाड़ी उठाई थी हम लोगों ने, वहीं गिर गई थी। दोस्तों, तन्मय ने डन कर दिया, लेकिन डस्टेड मुझे कर दिया है। मेकअप हो जाएगा रतन मैज अपना इन धूल से। साउथ बॉम्बे की गर्ल लगेंगे अपन फिर, सैंड बात लेते हुए। सो गाइस, कल वाला नाला आ गया है एकदम लेफ्ट। हाँ भैया, निकालो सबसे लेफ्ट से, राइट समझ जाना आप, वो फिर गलत दिख जाएगा पाथ। हाँ भैया, जाओ जाओ जाओ, रुकना मत भैया। तो वहीं से आया था कल। हो, तो गाइस बस डन एंड डस्टेड। ये फिर से कर दिखाया, इस बार कोई गिरा नहीं। इसे कहते हैं प्रैक्टिस, दैट्स हाउ वी रोल गाइस। एक आध बार हो जाती है गलती, लेकिन अगली बार हम उस गलती की बैंड बजा देते हैं। बस अगला भी ऐसे ही मारना है, अगले 2 और वाटर क्रॉसिंग। ओके सो गाइस, कल ऊपर से आए थे, अब नीचे जाएंगे फॉर मनाली। भैया रोड बहुत बुरी है अभी। बाबा स्पिटी, अरे कल चंद्रताल मिला था अपन को। बाप रे भाई, पैदल कैसे कर लेता भाई अंग्रेज, ऐसे राज करोगे तुम हम पे। दिस इज द बाताल ब्रिज। सो गाइस, दिस इज द फेमस चाचा चाची का ढाबा।
2010-11 में जब यहाँ पे सब फंस गए थे तो लोगों ने काफ़ी लोगों की मदद करी थी, दे सेव देयर लाइव्स, सो लोग बहुत फेमस है। हाँ, हमारे पास टाइम होता तो हम रुकते। दिस इज़ बाताल, विक्रम बाताल, कोई पेट पे आपके आके बैठ सकता है और सवाल पूछ सकता है। बी केयरफुल, लग रहा नदी में से जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों धूल घुस गई नाक मुँह आँख हर जगह, और दचके खा के खाते खाते जा रहे हैं। नाश्ता भी खा लिया था, दचके भी खा रहे हैं, ओवरफ्लो हो जाएगा पेट। ऑफ रोड का भी मेंटेनेंस होता है बताओ। ठंड लगना चालू हो चुकी है, जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं माउंटेंस के हम लोग। मतलब मोस्ट टफेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ऑफ रोड चंद्रताल से लगभग 60 किलोमीटर का पूरा ऑफ रोड है, 60 से 70। अरे हाय, तन्नू उछल गया, बढ़िया। लगता है कभी रोड बनेगी तो यहीं तक बनेगी। BRO के अंडर आ चुका है ये। थैंक यू पाजी, हॉर्स पावर्स, बाय बाय। दोस्तों अभी तक तो कोई बड़ी वाटर क्रॉसिंग आई नहीं है। ओहो, वाटर क्रॉसिंग बहुत छोटी लग रही है यार भैया ये तो। और मुझे भी लग रहा है बहुत लंबा वाटर क्रॉसिंग है ना भैया, पानी का फ्लो ही नहीं है अभी। बाप रे भाई, लोग सुबह आया जाया करो भाई, जो भी वीडियो देख रहा है। 10:20 हो रहे हैं तो कितनी लंबी वाटर क्रॉसिंग थी, सुबह कम मिली। तन में जाइए भैया के पीछे पीछे। एक एक करके निकलेंगे। पानी बहुत कम है, ओहो ये है यार थोड़ी वाटर क्रॉसिंग, टफ है थोड़ी सी। सेकेंड वाटर क्रॉसिंग क्रॉस कर भाई। लॉन्डो ने बिना गिरे कराए, हमें ग्रुप मिला था नारकंडा में, सारे के सारे गिरे हैं वो इधर बता रहे थे। दोस्तों भैया ने 50 सिर्फ एक आंख से वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करी, भैया ने सारे आज मानना पड़ेगा दोस्तों, इनको वीर सावरकर अवार्ड मिलना चाहिए भैया को। यहाँ दोस्तों दोनों आंखों से लोग गिर पड़े हैं, हमें मिले थे नारकंडा में। दोस्तों यहाँ हमेशा पूरी वाटर क्रॉसिंग रहा करती होगी, डाइवर्ट करती है पानी का फ्लो। छोटा दारा विलेज। ओके, छोटा दारा आ गया, फिर कोक्सर आता है ना इसके बाद। ओके, निकल गए। चलो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्टेशन को साइड दे दिया, बहुत बेकार है यार ये रोड तो, गटागट पड़ी बकरी होगी यहाँ पे। हाँ यार, ये है असली ऑफ रोड यार, हम मिलिए जाए। भेड़ों ने कर दिया हमारा रास्ता जाम, हम लेट हो जाएंगे इस चक्कर में, इतनी तेज आए ऑफ रोड में। मन कर रहा है खा लूँ एक गोट, तन में बना देगा बिरयानी मेरे लिए, और बकरेज भी हैं बकरेज। हट जा रहे भेड़, स्वेटर बना लूँगा नहीं तो तेरा। भेड़ फ्राई याद आ गया दोस्तों, लद्दाख में भेड़ फ्राई की बहुत बात कर रहे थे। चलो, ओके। बुलेट में तो ये सब एक्सपेक्टेड है कि ब्रेक ना आए, अच्छी ना चले। सो गाइस, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डेप्थ है वाटर क्रॉसिंग में, बट हमारे लिए बहुत आसान है यार। भैया दादा बीच से निकल गया है, हम तो निकल गए भैया। भैया को एक आग से लगता आधा ही पत्ता दिखा दोस्तों। जाओ भैया, हिला रहा है डुला रहा है ये रोड हमको, ट्रेन से आते हुए। भैया तो मजे में आ रहा होगा यार उछलते हुए। निकलो रे पेड़ बेटा, इतने बड़े बड़े बाल है तुम्हारे, सूटर बना लूँगा अभी तुम्हारे बालों से। वहाँ मैं बाइकर, राइट कर, डिन चेक पूजा के फैन दोस्तों। अरे हॉर्स मेरे दोस्तों गिराएगा क्या साले, पैसा बड़ा हमें जान दे रहे ट्रैवलर। कालाश निकालो, टैर
या कालाश निकालो हो चुका है दोस्तों। आराम से दोस्तों। अरे भाई भाई गहरा है यहाँ तो। अरे भाई क्या गहरा था यार। अरे भाई साहब आई थिंक दिस इज द सेकेंड वाटर क्रॉसिंग राइट टर्न में बिगेस्ट। क्या धूल है, क्या धूल खाई है आज तो। क्या ऑफ रोड थी और अभी ख़त्म नहीं हुई है। लगभग 2 घंटे हो गया हमें चलते हुए, 11 बज रहा है अभी एंड काफ़ी अच्छी स्पीड है हमारी। आई होप आपको वाटर क्रॉसिंग ना मिले और जल्द से जल्द कोकसर आए तो रोड मिले। रिकॉर्ड होल्डर अमित सर फ्रॉम कॉर्पोरेट कॉलेज। तो दोस्तों कोकसर आने वाला है एज पर सिंपल ट्रैवलर। इन्हें काफ़ी वीडियो देख रखे हैं, इन्हें चप्पा चप्पा रटा है इस रोड का। छतरू का बोर्ड लगा था, भैया तो भत्ते जाके निकल गए। डबल ब्रिज ओके, डबल ब्रिज के बाद आ जाता है कोकसर। ओके सो गाइस दैट इज अ डबल ब्रिज, इसके बाद कोकसर आ जाएगा। सो गाइस लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं हमको बाइक चलाते हुए, हम आ गए छतरू वाले ब्रिज पे। यहाँ से 20 किलोमीटर रोड आ जाएगी, कोकसर आ जाएगा आई गेस। सुबह थोड़ा ब्रेक लिया है, बहुत भयंकर ऑफ रोड की आपने देखी ली है। बैग वगैरह सही करेंगे अब फिर निकलेंगे, शायद मनाली नहीं तो मंडी नहीं तो शायद चंडीगढ़ तक पहुंच जाएं। जहां तक पहुंचेंगे वहां तक जाएंगे। सो गाइस यहां 10 मिनट का ब्रेक लिया हमने, गोप्रो की बैटरी वगैरह भी चेंज कर ली है हमने। हम डबल ब्रिज बोलते हैं इसको, छतरू वाला पुराना ब्रिज है नया ब्रिज। क्या दवाई है लेकर आज हमने ऑफ रोड में गाड़ी काफ़ी है, मेरी एवरेज स्पीड ज़्यादा रही वरना लोग बहुत लेट पहुँचते हैं यहाँ तक। सो गाइस एक और वाटर क्रॉसिंग अनएक्सपेक्टेड। निकल 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 जा, मैंने निकल जा, सोच मत, रुक निकल 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 निकल, रुकना मत। बहुत शानदार भैया, बढ़िया आराम से। मैं तो सही दवाई, लेकिन तन्नू तेरी उछल गई थी गाड़ी और तूने जो एक्सीलेटर दिया वापस निकल गया फिर तो। हम लोग को लग रहा था छतरू क्रॉस करके ऑफ रोड कम हो जाएगी, बट भाई ये तो उसी लेवल की लग रही है, ऊंचाई ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे हैं। तो कोकसर का ही वेट करना पड़ेगा रोड आने के लिए। आई डोंट नो वीडियो में कितना इजी या टफ दिखता है, मतलब हम भी देखते दूसरों की वीडियो तो लगता है बहुत इजी था ये, बट जब आप खुद ड्राइव करेंगे या राइड करेंगे यहाँ पे थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन पर्सन। आई होप ये लास्ट व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आएगा, एकदम रोमांचक रहा है हमारे लिए। हाँ पहले बढ़िया होगी ये वाटर क्रॉसिंग। लगभग 12 बज चुका है यार, दिल्ली के लौंडे भैया का इंटरव्यू लेते हुए कि उनको आँख में कैसे लग गई, क्या बात है। दोस्तों चारों तरफ हरियाली बढ़ती जा रही है, लग रहा है वी आर अप्रोचिंग मनाली। दिस पॉइंट नो नेटवर्क। ओहो दोस्तों रोड दिखती हुई, स्ट्रगल खत्म हुआ। 80-90 किलोमीटर का ऑफ रोड सुबह का, सामने रहा बोर्ड अटल टनल 12 किलोमीटर। बज रहा है एग्जैक्ट टाइम बताता आपको, 12:30। सब चंद्रताल का कैंप हमने 9 बजे छोड़ दिया था, 12:30 हो रहा है। 3.5 घंटे में मतलब 15 मिनट और 10 मिनट और मान लो अटल टनल आने में, 3 घंटे 45 मिनट में अटल टनल, आप ये समझिए। सो गाइस ये कोकसर पॉइंट पे एंट्री करानी थी, अब कहाँ से आ रहे हैं कहाँ को जा रहे हैं करा दिए। अटल टनल इधर से 6 किलोमीटर और कोकसर एक छोटा सा सुंदर सा टाउन है। करते हैं वादियों गुड बाय, मनाली क्रॉस करते हैं, सब खत्म, बढ़िया ठंडा मौसम एंड गर्मी चालू। वो रहा अटल टनल और हम लास्ट टाइम उधर से आए थे लद्दाख से अटल टनल, इस बार आ रहे हैं स्पीटी साइड से, दोनों रूट्स हमने कर लिए कवर। व्हाट अ टूर यार, व्हाट अ जर्नी। आई होप गाइस आप लोगों को पसंद आएगी हम लोग की सीरीज, कि हम लोग रेंट पे गाड़ी लेके नहीं घूमते, घर से आते कई सारे बाइकर्स अपनी स्पीति की जर्नी यहाँ से चालू करते हुए, पर हमने यहाँ कर दिए एंड क्योंकि हम शिमला से स्टार्ट करा था। मनाली 33 किलोमीटर, कुल्लू 74, वहाँ से आए थे लास्ट टाइम लद्दाख से, इस बार आए हैं इस रोड से। दिस इज द चंद्र ब्रिज एंड वेलकम टू अटल टनल। क्यों दन में फोटो खिंचाई जाए आज, रुक के इस बार। स्पिटी सर्किट डन एंड डस्टेड बॉस, एंडिंग आर स्पिटी ट्रिप हियर इटसेल्फ। सो गाइस कुछ फोटो वगैरह खिंचाएंगे यहाँ पे और फिर लंच वगैरह करके देखते हैं जहाँ तक पहुँच पाए, मे बी कुल्लू मे बी चंडीगढ़ कहीं तो पहुँचेंगे। बट आई थिंक ये आपने पहले भी मेरी ट्रिप में देखा हुआ है इसके अंदर कैसा है, बहुत लंबा है, कोई फ़ायदा नहीं रिकॉर्ड करने का।
सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सीरीज। एक आग समेत भी हमने ट्रिप करी है, बहुत बढ़िया रही ट्रिप, तगड़ी, 3 एडवेंचर बाइक्स।